तो चलिए अब हम दिखाते हैं एक अलग अलग टाइप का धनिया का पौधा, जो कि देख सकते हैं ये है धनिया का पौधा। इसे हमने बाहर से ला के लगाया, इसका स्मेल ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है ये पौधा। और देख सकते हैं कितना हरा भरा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए अभी हम दिखाते हैं, ये है छोटा छोटा वाला बैंगन। ये देखिए कितना सारा फला हुआ है और इसका साइज भी कितना बड़ा हो गया है। इस वाले बैंगन का हमारे पास दो पौधा है, दोनों में अच्छा खासा बैंगन फला हुआ है और पहले भी हम 4-5 बैंगन तोड़ चुके हैं। चलिए फिर से दिखाते हैं हम गेंदा का पौधा, हमारे पास फिर से एक है जिसमें भी बहुत सारा फूल खिला हुआ, बहुत छोटा सा पौधा है फिर भी इसमें काफ़ी फूल खिला हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं इधर, गिरा मेरा अभी तक हमारा खिल रहा है फिर से। ये देखिए हमारा पान का पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें बहुत सारे पान आ गए हैं। इसे चाहे तो हम तोड़ के खा सकते हैं या फिर पूजा में यूज कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम फिर से टमाटर लगाए हुए हैं। ये जितने भी कटा हुआ देख रहे हैं ये सारा अड़हुल का पौधा था जिसे हमने अभी कटिंग कर दिया। अब इसमें फिर से नया नया पत्ता निकलेगा, ये पौधा पुराना हो चुका था, इसमें फूल बहुत ही कम आने लगे थे, इस वजह से इन सारे पौधों की कटिंग कर दिए हैं। अब फिर से नया आएगा इसमें पनका और फिर से अच्छा से फूल खिलेगा। ये सारा अड़हुल का ही पौधा है। और फिर यहाँ देखिए कितना छोटा सा गेंदा का पौधा जिसमें कितने सारे खूबसूरत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये अलग ही टाइप का गेंदा जो कि बहुत छोटा छोटा होता है और एक फूल में 2-3 कलर दिखाई देता है, देख जैसा कि देख सकते हैं आप। ये है सिंघाड़ा का पौधा जो कि अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारा फूल खिल रहा था, जिससे अभी हम जिसकी अभी हमने कटिंग कर दी है। इससे क्या होगा कि हमारे पौधे का जड़ भी मोटा हो जाएगा और ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। और ये देखिए ये भी अड़हुल का पौधा था, इसका पूरी तरह से कटिंग हो गया। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा नया पनका आने में, फिर जब नया पनका आएगा तो इसमें ढेर सारा अड़हुल खिलेगा।